इसलिए ब्रज की महिमा है, ब्रज रज की महिमा है, राधा रानी की महिमा है। अच्छा, ब्रज में तीन रानियां हैं, रज रानी, यमुना महारानी और श्री राधा रानी। तीन रानियां हैं, कौन कौन सी? रज रानी। कई संत ऐसे देखे हैं हमने, वो रोज ब्रज रज का भक्षण करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, बच्चा यदि मिट्टी में खोले तो इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन वहां संत रोज ब्रज रज का भक्षण करते हैं। और मलुक पीठ वाले महाराज जी, वो तो ब्रज रज को लॉकेट में भर करके हमेशा रखते हैं, भक्तमाल ब्रज रज तुलसी का बना रखा है लॉकेट। क्यों? बोले वो जानते हैं कि ब्रज रज की महिमा क्या है। हो सकता है कि जब यम के दूत लेने के लिए आए, उस समय ये जिहुआ भगवान का नाम ना ले सके, तो कोई बात नहीं, जिसके शरीर के पास ब्रज रज होगी, कोई ग्रंथ पास में होगा, उसके पास यमराज के दूत आ ही नहीं सकते हैं। यमराज के दूत नहीं आ सकते, इतनी उनकी सामर्थ्य नहीं है। प्रिया दास जी की कथा है जीवन की, वो जब कथा करते थे तो अपने जीवन की घटना सुनाते थे। राधा रमन जैसे बिहारी जी हैं, राधा बल्लभ हैं, ऐसे ही राधा रमन संप्रदाय है। सात ठाकुर जी हैं वृंदावन के, आगे कथा सुनाएंगे कौन कौन से स्वयं प्रकट सात ठाकुर जी हैं वृंदावन में, उनमें से राधा रमन जी हैं, और उन्हीं के उपासक हैं श्री प्रियादास जी महाराज। उनके जीवन की घटना थी, एक बार कथा सुना रहे थे ऐसे ही कि भैया अगर जीवन में उद्धार करना चाहते हो तो भक्तमाल की कथा करते थे, भागवत की नहीं करते थे, भक्तमाल की कथा करते थे। और भक्तमाल की कथा करते करते उन्होंने एक दिन अपना वक्तव्य रखा कि जो जीवन में भले भजन ना कर सके, साधना ना कर सके, कोई बात नहीं, तो भक्तमाल को छोटे से रूप में, आजकल तो छपा हुआ मिल जाता है, बोले लिख करके यदि अपने पास रखे और मरते समय यदि हृदय पर रख ले तो उसके पास यम के दूत आ ही नहीं सकते हैं। ये बात कह रहे थे तो वहां एक सेठ जी बैठे थे, अलवर के सेठ थे वो, पूरी सच्ची घटना है ये। अलवर के सेठ जी आए थे कथा सुनने के लिए, पहली बार आए, उन्होंने ये शब्द सुना, बोले चलो हम तो बिजनेस में व्यापार में इतने बिजी रहते हैं, भजन तो कर नहीं सकते, अब पता नहीं अंतिम समय में क्या हाल होगा, तो क्या करें। बोले महाराज जी कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे। कथा विश्राम हुई और प्रियादास जी के पास गए, जाकर के कहने लगे कि महाराज हमें आप छोटा सा एक भक्तमाल दे दीजिए, क्या करेंगे। बोले जब हम मरेंगे ना तो अपने बच्चों से कहकर के जाएंगे, मृत्यु जब निकट हो उस समय ये भक्तमाल की पोथी हमारे हृदय पर रख देना, छाती पर रख देना। महात्मा को लगा कि चलो भाव है, और उस समय ये प्रेस वगैरह नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो महाराज जी ने अपने अनुयायी के साथ खुद उसको लिखा भक्तमाल को, और लिख करके उनको दिया, लेकर के गए और बच्चों से कहा ध्यान रख लेना जब मेरी मृत्यु आए ना, मेरी मृत्यु सन्निकट हो तो कोई काम भले मत करना, लेकिन एक काम करना, ये भक्तमाल की पोथी मेरी छाती पर रख देना, बस इतना सा कर देना। और ऐसा ही हुआ, मौत किसी का इंतजार नहीं करती है, किसी की रोके रुकी नहीं है। जब उस सेठ का अंतिम समय आया, यमराज के दूत सामने दिखाई दिए, उनको देख करके घबराने लगा, छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा मुझे बचाओ। बच्चों को लगा कि अब मौत निकट है, ये बचने वाले नहीं है, और संयोग से भगवान की कृपा से उनको ये बात याद आ गई। ये भी भगवान की कृपा थी कि बच्चों को याद आ गई, नहीं तो आजकल बच्चों को याद नहीं आती। किसकी याद आती, बोले धन कहां रखा है, ब्याज पर किसको दे रखा है, उसकी ज्यादा याद आती है। लेकिन कृपा हुई, भगवान की याद आई, और सोचने लगे कि पिताजी ने कहा था कि जब मौत निकट हो तो छाती पर भक्तमाल की पुस्तक रखनी है, ग्रंथ रखना है। बच्चों ने जाकर के उनके बक्षस्थल स्थल पर भक्तमाल का ग्रंथ रखा, जैसे ग्रंथ रखा, और प्रियादास जी ने कहा है, जीवन का अनुभव लिखा है उन्होंने, कि वह यमराज के दूत वहां से भाग गए भक्तमाल के ग्रंथ को देख करके, और वह सेठ जी उसी समय महापुरुषों का दर्शन करने लगे। उनके नेत्रों के सामने सभी संत आकर के विराजमान हो गए और उन संत का दर्शन करने लगे।
और कहते हैं संतों का दर्शन करते करते, ये अनुभव भी उन्होंने बता करके, प्राण नहीं निकले थे, केवल यमराज के दूत आए थे, ये अनुभव उन्होंने बताया कि देखो मुझे सभी संतों के दर्शन हो रहे हैं, ये पीपा वाले महाराज खड़े हैं, ये रविदास हैं, ये रैदास हैं, ये निम्बार्काचार्य हैं, ये वल्लभाचार्य हैं, सब संतों के दर्शन हुए थे। और सब संतों का दर्शन करते 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 जब उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा, तो मेरे भाई बहन प्रियादास जी ने बताया था कि वह संत उस जीवात्मा को अपने साथ लेकर के गए थे भगवत धाम। ये महिमा है। इसलिए संत आज भी कोई ना कोई ग्रंथ अपने, चाहे गीता हो, चाहे भागवत हो, चाहे रामायण हो, चाहे भक्तमाल का ग्रंथ हो, अपने पास रखते हैं। कई तो लॉकेट में, आजकल तो छोटी छोटी गीताएं भी मिल जाती हैं, छोटे छोटे सभी ग्रंथ मिल जाते हैं, ऐसी सुविधाएं हो गई हैं। ऐसा अद्भुत महिमा है। तो ब्रज का अर्थ है जो भगवान के पास ले जाए। इसलिए ब्रज रज खाने की, और भगवान ने भी ब्रज रज खाई है। माखन चोरी के बाद भगवान भी ब्रज रज खाते हैं। नाहम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या संसिनः, ब्रज रज भक्षण यमुना जल का पान और गोविंद का दर्शन। ये महिमा है वृंदावन की।